ये परिषद इस देश में समानता के एक युग की शुरुआत करने के लिए बुलाई गई है। हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी। हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहां से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा यह कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें यह सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं, बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूं। वो प्रतीक धर्म का नहीं, बल्कि भेदभाव, क्रूरता और अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे दुखों की इस जड़ का, मनुस्मृति का खुले आम दहन किया जाए। शुद्रतु कार्य दास्यम कृत भकृतमेव वा दास्यायौ हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मण्यास्य स्वयंभुवा। वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् सौ हि चितो स्वकर्मभ्य क्षोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्युच्यते निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोहति। Thank you.